नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है हमारे चैनल प्रतीक्षा में। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर जीशान है। आज सबसे पहले हैप्पी रमजान टू ऑल ऑफ यू। वैसे एक्चुअली आप लोग देख रहे होंगे मेरा चेहरा बहुत फेस उतरा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरा एक्चुअली फास्ट है, और फास्ट में भी फिर मुझे मेरे कर्तव्य ने याद किया कि मैं आपके पास चला आया वीडियो बनाने के लिए। इसलिए मैं आपको आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। फास्ट में एक्चुअली ज़्यादा बोल नहीं पा रहा, अगला लेक्चर हमारा थोड़ा बड़ा होगा। जैसे आज मैं सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। हमारे पास एक होता है वर्ड द्वीप, द्वीप होता है, द्वीप को कहते हैं हमारे पास अंग्रेजी में आइलैंड, ठीक है। एक होता है वर्ड प्रायद्वीप, प्रायद्वीप को अंग्रेजी में कहते हैं पेनिनसुला, ठीक है। और एक होता है हमारे पास महाद्वीप, महाद्वीप को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट। अब बात समझेंगे दोस्तों, इन तीनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द इनिशियल डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री वर्ड्स। जैसे एग्जांपल आप देखते हैं, यहां भी द्वीप लगा है, यहां भी द्वीप है और यहां भी द्वीप है। अंतर क्या होता है तीनों के अंदर देखेंगे। जैसे एग्जांपल अगर द्वीप की बात करते हैं, द्वीप होता क्या है? द्वीप जमीन का वो टुकड़ा जो चारों ओर पानी से घिरा होता है, मतलब आइलैंड इज दैट मास ऑफ लैंड व्हिच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। अब बात समझना, हम द्वीप की बात करते हैं, जमीन का टुकड़ा जो पानी से चारों ओर घिरा होता है। एकदम श्रीलंका है, श्रीलंका के चारों ओर पानी है ना। अब बात समझना, हम बात करेंगे अब यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड, ठीक है। पहली चीज, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला सवाल, अब बात समझेंगे, ग्रीनलैंड जमीन का वो टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी होता है, ठीक है। अब ग्रीनलैंड की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है नूक या नूनक ललित, नूक या नूनक ललित। और जैसे कि आपको पता है मैं गोले में राजधानी लिखता हूं। द्वीप क्या होता है? जमीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी होता है, या जमीन का टुकड़ा जो चारों ओर पानी से घिरा होता है, उसको द्वीप कहते हैं। एग्जाम्पल, द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, मतलब बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप विश्व का कौन सा? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नूक या नूनक ललित। अब इस पे भी दो सवाल आते हैं। एग्जाम्पल, ग्रीनलैंड पे कब्जा किसका है? ग्रीनलैंड पे कब्जा किसका है? हु कैप्चर्ड ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड पे कब्जा है डेनमार्क का। किसका है? डेनमार्क। डेनमार्क एक यूरोप का देश है, ठीक है। डेनमार्क कहां का देश है? यूरोप महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन, कोपेनहेगन इसकी राजधानी डेनमार्क की। अब बात समझेंगे, अब सवाल समझते हैं, ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में आता है, किस कॉन्टिनेंट में आता है? ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में आता है? यह आता है उत्तरी अमेरिका। किस पे आता है? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अब हमारे पास यहाँ चार क्वेश्चन क्लियर हो गए। देखिए बात समझेंगे, हमने क्या देखा? द्वीप जमीन का वो टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी होता है, पानी से घिरा होता है, द्वीप, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड, ठीक है। उसके बाद ग्रीनलैंड पे कब्जा है, कैप्चर किसने करा हुआ है? डेनमार्क ने करा हुआ है। ग्रीनलैंड में किस महाद्वीप के अंदर आता है, इस कॉन्टिनेंट में आता है? नॉर्थ अमेरिका में आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक या नूनक ललित। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पूरा बर्फ का ढका हुआ है, पूरा बर्फ का, ठीक है। अब ग्रीनलैंड पे लोग नहीं रह सकते, ठीक है। ग्रीनलैंड पे कुल आबादी है 5% सॉरी, हम बात करेंगे ग्रीनलैंड का जो है 5% एरिया में, 5% क्षेत्र में लोग रहते हैं। और 5% क्षेत्र में ग्रीनलैंड के जो लोग रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उनकी जनसंख्या है 60,000। ग्रीनलैंड के 5% एरिया में लोग रहते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है? 60,000। और जो लोग रहते हैं वो आदिवासी हैं, ठीक है, मतलब ट्राइबल पीपल हैं, आदिवासी, उनको हम कहते हैं एस्किमोज। क्या कहते हैं उनको? ग्रीनलैंड पे जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं एस्किमोज, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे एस्किमोज, वो प्रजाति होती है, एस्किमोज वो प्रजाति होती है जो बर्फ के अंदर रहती है और बर्फ के मकान बना के रहते हैं, उसके बर्फ के मकान को बोलते हैं इग्लू। क्या कहते हैं इसके मकानों को? एस्किमोज जो मकान बना के रहते हैं उनको बोलते हैं हम इग्लू। ठीक है, तो हमने यहां क्या देखा ग्रीनलैंड के बारे में। एक सवाल और है गया इसमें। अब बात समझना,
ग्रीनलैंड की खोज किसने की? ग्रीनलैंड की खोज की दो भाइयों ने, एरिक और रेड। ग्रीनलैंड की खोज दो भाइयों ने की थी, एरिक और रेड ने की थी। ठीक है, यहां पर कब की थी? 986 AD, यहां पर 986 AD में की थी। अब देखिए, एक टॉपिक पे हमने एक वर्ड देखा था द्वीप, द्वीप अगर हमने एक वर्ड पकड़ा तो उसमें हमने कितने सारे सवाल देख लिए। ठीक है, एग्जांपल देखिए, सवाल देखते हैं। सबसे पहले द्वीप होता क्या है? द्वीप को बोलते हैं हम, क्या नाम है, द्वीप जमीन का वो टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी होता है उसको द्वीप कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नूक या नूनक ललित। ठीक है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? दो भाइयों ने, एरिक और रेड ने। कब की थी? 986 AD में, 986 AD में। ठीक है, ग्रीनलैंड की राजधानी नूनक ललित हो गया हमारे पास। ग्रीनलैंड पे कब्जा किसका है? डेनमार्क का। ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में आता है? आपका उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, अब ग्रीनलैंड में जो लोग रहते हैं उसको एस्किमोस कहते हैं, बर्फ के मकान बनाकर रहते हैं, इग्लू कहते हैं उसको। ग्रीनलैंड के सिर्फ 5% क्षेत्र पे लोग रह सकते हैं। वहां की कुल जनसंख्या है 60,000, हमारे भारत के छोटे से एक शहर से भी कम। ठीक है, यहां पर पूरे ग्रीनलैंड पे इसकी आबादी है। इतनी बस समझ में आई ग्रीनलैंड आपके? आगे देखते हैं, देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है प्रायद्वीप। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रायद्वीप। द्वीप के बाद हम बात करते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप को कहते हैं पेनिनसुला। हम इंडिया समझेंगे इसको, इंडिया से। जैसे एग्जांपल इंडिया है, ठीक है, इंडिया में यहां पड़ता है अरब सागर, दैट मींस अरेबियन सी। अरेबियन सी यहां पड़ता है इंडिया में हिंद महासागर, That means Indian Ocean। ठीक है, और यहां पड़ता है बंगाल की खाड़ी, That means Bay of Bengal। ठीक है, अब बात समझना, इंडिया का ये वाला हिस्सा, इंडिया का ये वाला हिस्सा ऐसा है जो तीन ओर पानी से घिरा है, तो उसको बोलेंगे प्रायद्वीप भारत, पेनिनसुला इंडिया। देखिए, जमीन का वो टुकड़ा जो तीन ओर पानी से घिरा होता है उसको कहते हैं प्रायद्वीप भारत, दैट मींस पेनिनसुला इंडिया। एग्जांपल देखते हैं, अगर एग्जांपल देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रायद्वीप वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है। जैसे बात करना, एग्जांपल अगर एग्जाम में पूछता है, जैसे पूछेगा एग्जाम में कि दुनिया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोले गंगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अगर एग्जाम में ये आ जाता है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, तो आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पेनिनसुला इंडिया की पूछ रहा है, इतने हिस्से की गंगा यहां पर नहीं आती। ठीक है, गंगा नदी जो निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश आती है, यूपी होते हुए बिहार होते हुए, उसके बाद पश्चिम बंगाल जाते हुए, वेस्ट बंगाल जाते हुए बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, मतलब यहां नहीं आती। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। पर अगर पूछे प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। मतलब लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया इज गोदावरी। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया? अब देखिए, ये तो इंडिया से मैंने आपको समझा था प्रायद्वीप क्या होता है। देखिए, तीन तरफ पानी से घिरा है ये वाला हिस्सा, तो प्रायद्वीप हो गया प्रायद्वीप भारत। अगर ये चारों तरफ घिर जाता पानी से, तो उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, द्वीप। द्वीप चार तरफ पानी से घिरा होता है, तीन तरफ होता है प्रायद्वीप। ठीक है, अब देखेंगे यहां, अब सवाल एग्जाम में ये आता है हमारे पास कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, बिगेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है हमारे पास अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, या बोलते हैं इसको अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप जमीन का टुकड़ा तीन ओर पानी से घिरा होता है। अब मैं अरब प्रायद्वीप बना के दिखाता हूं आपको। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर एक कंट्री है
यहां पर एक कंट्री है, यहां पर पड़ेगा लाल सागर, लाल सागर दैट मींस रेड सी, ठीक है। यहां पड़ता है अरब सागर, अरब सागर दैट मींस अरेबियन सी, ठीक है। और यहां पर ये वाला एरिया है, इधर पड़ता है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी दैट मींस गल्फ ऑफ पर्शिया, गल्फ ऑफ पर्शिया, ठीक है। यहां पर तो देखिए ये जमीन का टुकड़ा है पूरा, ठीक है। इसके तीन ओर पानी से घिरा हुआ, लाल सागर मतलब रेड सी, अरब सागर मतलब अरेबियन सी, और फारस की खाड़ी मतलब गल्फ ऑफ पर्शिया। अब यहां पर ये वाली जो कंट्री है इसको बोलते हैं सऊदी अरब, सऊदी अरब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद, रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। इसका मतलब एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आपको पता है कि मैं जो भी गोले में लिखता हूं वो होती है राजधानी, ठीक है। इसका मतलब सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। अब देखिए यहां पर एक कंट्री यमन, यमन ठीक है, यमन की राजधानी है सना, गोले में राजधानी। और यहां है हमारे पास ओमान, ठीक है, इसकी राजधानी है मस्कट, अब बात समझेंगे। यहां पर हमने क्या देखा, दुनिया मतलब दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप बिगेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड इज अरेबियन पेनिनसुला, और अरब प्रायद्वीप में देश कितने, तीन देश आ गए, ठीक है, सऊदी अरब, यमन, ओमान। यमन वही वाला सुना होगा, यमन का शहजादा हातिम, सुना हो वो, वही वाला यमन, ठीक है। एक साउथ की एक मूवी है पुली, ठीक है, पुली साउथ में मूवी आती है, तो उस मूवी के अंदर दिखा है यमन रानी बोलता बार बार यमन रानी, शूटिंग एक्चुअली उस मूवी में पूरी यमन की है, ठीक है। और यमन की राजधानी कहाँ है, सना, ठीक है। और ओमान, ओमान की राजधानी कौन सी है, मस्कट। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, ठीक है, यहां पर। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, किंग अब्दुल खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, रियाद के अंदर। अब बात समझेंगे, ये हो गया प्रायद्वीप, प्रायद्वीप जमीन का टुकड़ा जिसके तीन ओर पानी होता है वो प्रायद्वीप है, तीन तरफ पानी, लाल सागर रेड सी, अरब सागर अरेबियन सी, फारस की खाड़ी गल्फ ऑफ पर्शिया, ठीक है, समझ में आया इतनी बात। प्रायद्वीप क्या होता है, जमीन का टुकड़ा जिसके तीन ओर पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं, इज दैट क्लियर। चलिए आगे देखेंगे, देखिए ठीक है, महाद्वीप की बात करते हैं आज। आपने देखा द्वीप क्या होता है, जमीन का टुकड़ा चार ओर पानी से घिरा होता है। प्रायद्वीप क्या होता है, जमीन का टुकड़ा तीन ओर पानी से घिरा होता है और चार ओर घिर गया तो क्या हो गया, उसको कहते हैं द्वीप, तीन ओर आपका प्रायद्वीप। अब महाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप होता है अ लार्ज लैंड मास, ठीक है, मतलब जमीन का बहुत बड़ा भूभाग उसको कहते हैं महाद्वीप, या इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं महाद्वीप को देशों का समूह। महाद्वीप को क्या बोलते हैं हम, देशों का समूह, दैट मींस ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज नोन एज कॉन्टिनेंट, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज नोन एज कॉन्टिनेंट। और देखिए दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज एशिया, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा दुनिया का, एशिया। अब बात समझेंगे, एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा हो गया,
अब यहाँ पर एशिया में बहुत सारी कंट्री आती हैं, एशिया की कोई राजधानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एशिया के अंदर ही 48 कंट्री आती हैं, 48 देश। अब बात समझेंगे वो 48 देश कौन से हैं। जैसे आपके वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम का मतलब होता है एसएससी का हो गया, बैंक का हो गया, आपका क्या नाम है उसका, रेलवे का हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, ठीक है, वनडे एग्जाम है सारे। अब उस वनडे एग्जाम के अंदर कभी कभी सवाल ये पूछ लेता है किस कंट्री की राजधानी क्या है, किस देश की राजधानी क्या है, राजधानी आती है, ठीक है। और कभी कभी ये पूछता है ये देश किस महाद्वीप में है, किस कॉन्टिनेंट के अंदर है। एग्जाम्पल, हम लोग एशिया निवासी हैं, आप ध्यान से सुनना एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, सुनना ध्यान से। आपने सुना ताइवान, ठीक है, एशिया की बता रहा हूँ सिर्फ अभी, ताइवान, फिलीपींस, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया, मंगोलिया, चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है। अब इधर आते हैं हिंदुस्तान, तान देखेंगे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तान हो गए, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, दुबई, कुवैत, दोहा, कतर, ठीक है। उसके बाद आपका जॉर्जिया, आपका अजरबैजान, यरेवन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या नाम है, यहाँ पर से कंट्री होगी किसकी, एशिया की, ठीक है। अब उसमें आया ये रशिया, रशिया एक्चुअली यार दो जगह आता है, रशिया यूरोप एशिया दोनों में आता है, ठीक है, क्योंकि 1991 में रशिया का विभाजन हुआ था, उसके कुछ प्रांत, कुछ प्रोविंसेस चले गए यूरोप में, कुछ एशिया में आ गए। तो ये बोल सकते हैं कि रशिया हमारा यूरेशिया में आता है, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया में आता है रशिया, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर और एक माउंटेन है यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन रशिया को अलग करता है एशिया यूरोप के अंदर, यूराल माउंटेन। तो हमने देखा महाद्वीप क्या होता है, देशों का समूह, और बहुत सारी कंट्री होती हैं, और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। अब देखेंगे यहां याद रहे हमारी आज बेसिक क्लास है बिल्कुल, ठीक है। इसके अंदर हम बात करते हैं, आज महाद्वीप की बात करेंगे पहले, कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब देखिए मैं क्षेत्रफल से लिख रहा हूं क्योंकि एनडीए का एग्जाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है यहां से, ठीक है। अब बात समझेंगे, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्षेत्रफल से है दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब बात समझना, अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, ये एनडीए का सवाल था, नेशनल डिफेंस एकेडमी 2017, क्वेश्चन ये आया था कि दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा, अफ्रीका। तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है, चौथा बड़ा महाद्वीप है साउथ अमेरिका, इसको दक्षिण अमेरिका बोलते हैं हिंदी में, साउथ अमेरिका। पांचवा बड़ा महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। छठा बड़ा है यूरोप, और सातवां बड़ा है ओशिनिया। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने सातवां बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया, वो क्यों नहीं है। देखिए हमारे पास महाद्वीपों की संख्या सात है, ठीक है, हमारे पास कॉन्टिनेंट कितने हैं, सात। और अभी हाल ही में करंट अफेयर्स के अंदर एक नया महाद्वीप खोजा गया ज़ीलैंडिया, पर बुक्स में नहीं आया इसलिए नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में। देखिए अब बात समझना, यहां पर सात बड़े महाद्वीप है क्षेत्रफल से, सबसे छोटा ओशिनिया है, ये ओशिनिया 2015 से किया गया, क्यों, पहले ऑस्ट्रेलिया नाम का कॉन्टिनेंट था सबसे छोटा, अब क्या हुआ वहां विवाद हो गया कि एक डिस्प्यूट क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जाएगा नहीं जाएगा, ठीक, कौन किसका कंट्रोल रहेगा वहां पर, ठीक है, वहां पर। तो ओशिनिया बनाया एक महाद्वीप, ओशिनिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है इसके अंदर, इसके अंदर न्यूजीलैंड भी आता है, फिजी भी आता है, पपुआ न्यूगिनी आता है, मार्शल आइलैंड आता है, सोलोमन आइलैंड आता है, किरबाती आता है, मतलब 14 कंट्री मिला के ओशिनिया को बना दिया, ठीक है। आज हमारे पास सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है हमारे पास, ओशिनिया। अब हम महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो देश की बात कर लेते हैं, देश तो बहुत सारे हैं, ठीक है, देश, अगर देश को हम बोलते हैं कंट्री,
देखिए दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है रूस क्षेत्रफल से, रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री, रूस के बाद दूसरा बड़ा देश है कनाडा, तीसरा बड़ा देश है चीन, चौथा बड़ा देश है यूएसए, पांचवा बड़ा देश है दुनिया का ब्राजील, छठा बड़ा देश है दुनिया का ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का सातवां बड़ा देश भारत। ठीक है, अब देखिए भारत सातवां बड़ा देश है। अगर मैं बात करता हूं दुनिया में अगर 100% लैंड है, 100% भूमि है, तो 2.4% लैंड इंडिया के अंदर है। ठीक है, इतनी भूमि इंडिया में, बट सात तक तो बच्चे हमेशा पढ़ के जाते हैं, याद करके जाते हैं। बट इस बार यूपी के अंदर एक छोटा सा एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आठवां बड़ा देश कौन सा है, 8 नंबर का कंट्री पूछ लिया यहां पर, तो उसने 8 पूछा, हम 10 देखेंगे। ठीक है, सबसे आठवां भारत से छोटा देश है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। नवां बड़ा देश है हमारा कजाकिस्तान, और दसवां बड़ा देश है हमारा अल्जीरिया। ठीक है, तो हमारे पास टॉप 10 कंट्री हो गए एरिया वाइज क्षेत्रफल दृष्टि से। अब देखिए ये देश तो हो गए हमारे पास, अब साथ साथ इन सबकी राजधानियां भी देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं राजधानी को बोलते हैं अंग्रेजी में कैपिटल, ठीक है, ये बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि दिल्ली को हमारी राजधानी किस संविधान संशोधन में बनाई गई थी। बस आपका कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख के बताइए, दिल्ली को राजधानी किस संविधान संशोधन में बनाई गई। अब देखिए राजधानी की बात करते हैं यहां, ठीक है, रूस की बात करेंगे पहले। आप सबको मालूम है रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक है, उसके बाद कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा, ओटावा सुना होगा आपने, इटावा मत कर देना, ओटावा है, ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। चाइना की राजधानी सबको मालूम है बीजिंग। यूएसए की राजधानी सब जानते हैं वॉशिंगटन डीसी। दोस्तों डीसी, वॉशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, ब्राजील की बात करते हैं, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। भारत की बात करते हैं, सबको मालूम है भारत की राजधानी नई दिल्ली। दोस्तों भारत की राजधानी न्यू दिल्ली जो बनी है वो कब बनी है, इंडिया में 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को, 1911 को इंडिया में इंग्लैंड का सम्राट आया था जॉर्ज पंचम, अपनी पत्नी के साथ क्वीन मैरी के साथ आया था। ठीक है, उसने यहां बंगाल विभाजन को रद्द किया, कैंसिल किया, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, अनाउंसमेंट किया था कि इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली से पहले कौन सी थी, कलकत्ता, कलकत्ता। ठीक है, अब वो क्या हुआ, 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी क्या बन गई, नई दिल्ली। और अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, जब नई दिल्ली राजधानी बनी थी उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, आर एन माधोलकर, कौन था, आर एन माधोलकर कांग्रेस का अध्यक्ष थे उस समय 1912 में दिल्ली राजधानी बनी थी। चलिए देखेंगे आगे, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। कजाकिस्तान, दोस्तों यहाँ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन छुपा हुआ है। देखिए कजाकिस्तान की राजधानी पहले अस्ताना थी, अस्ताना, और अभी 2-4 महीने पहले ही कजाकिस्तान की राजधानी बदल गई है। ठीक है, अस्ताना राजधानी थी कजाकिस्तान की, और ये पूछ सकता है एग्जाम में रिसेंटली, क्योंकि अभी किसकी राजधानी बदली गई है। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी बन गई है नूर सुल्तान, नूर सुल्तान कजाकिस्तान की नई राजधानी, पहले थी अस्ताना इसकी राजधानी। अल्जीरिया की अल्जायर्स, ठीक है, यहां पर योगी राजधानियां। अब साथ में हम एक चीज और देखेंगे इसमें, यहां पर आपने सुना होगा जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में बहुत सारे शहर किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगर पूछा आगरा दिल्ली यमुना नदी किनारे, आपका कानपुर की बात करते हैं, कानपुर नदी हमारे कौन, गंगा है। ठीक है, लखनऊ है हमारे पास, लखनऊ कौन सी नदी है हमारे पास। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग इसके बारे में। ठीक है, लखनऊ के बारे में, आपका उज्जैन के बारे में, ठीक है, आपका पटना के बारे में। ठीक है,
अब बात समझेंगे दूसरी कंडीशन। अब देश और राजधानी हो गई, अब बात करते हैं नदी दुनिया की, ठीक है, रिवर्स। देखिए मॉस्को, मॉस्को कहां पर, रूस में। मॉस्को किस नदी किनारे बसा हुआ है, सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, मॉस्को किस नदी किनारे बसा हुआ है, मस्कोवा, कौन सी नदी है, मस्कोवा। ओटावा किस नदी किनारे बसा हुआ है, सेंट लॉरेंस। ओटावा किस नदी किनारे है, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी किनारे बसा हुआ है ओटावा। बीजिंग की बात करते हैं, बीजिंग जो बसा हुआ है एक नदी किनारे, उसका नाम है यांग तिसी क्यांग, मतलब यांग तिसी क्यांग, ठीक है, मतलब बीजिंग किस नदी किनारे, यांग तिसी क्यांग। वॉशिंगटन डीसी की बात करते हैं, ये किस नदी किनारे है, हमारे पास वॉशिंगटन डीसी, ये सीजीएल में सवाल आ चुका है, सीजीएल में क्वेश्चन आया था वॉशिंगटन डीसी किस नदी किनारे बसा हुआ है, वो है पोटोमैक। पोटोमैक। ब्राजील हमारे पास किस नदी किनारे है, हम बात करें अमेजन। दोस्तों अगर बात करते हैं अमेजन की, ठीक है, अमेजन की बात करता हूं, देखिए अमेजन हमारे पास amazon.com ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर भी है, और अमेजन का अंग्रेजी मतलब होता है वीरांगना, युद्धस्थली, ठीक है। यहां पर कैनबरा किस नदी किनारे बसा हुआ है, यह है मरे डार्लिंग, मरे डार्लिंग, ठीक है। नई दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ है, यमुना, ठीक है, यमुना नदी किनारे, आगरा दिल्ली पूरा यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। और बता दूं यमुना नदी हमारे पास गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज यमुना, आगरा से दिल्ली तक पूरी यमुना है, और यमुना नदी गंगा में आके मिलती है कहां पर, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में, ठीक है, संगम होता है। ब्यूनस आयर्स किस नदी किनारे आके बसा हुआ है, ला प्लाटा, ला प्लाटा। और ये वाला कजाकिस्तान, ये कोई नदी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ अल्जीरिया रेगिस्तान में है तो कोई नदी नहीं है, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ हमने आज क्या देखा, द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप में अंदर देखा, ठीक है। आज आपको पता चल गया कि हमारे पास कितने ज़्यादा, हमारे पास 7 महाद्वीप है, कौन कौन से क्षेत्रफल से, एरिया वाइज, हमारे पास दुनिया के बड़े 10 देश, टॉप 10 कंट्री, उनकी राजधानी 7 में, और उनकी राजधानी किस नदी किनारे स्थित है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, जिससे कि हमारा आप मोटिवेट होकर और आगे आपके लेक्चर्स बनाएं इसके लिए, आपके एग्जाम के बेनिफिट के लिए, ठीक है। हैप्पी रमजान वंस अगेन एंड गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।